गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कुली नॉवल का फर्स्ट पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था और आज मैं लेकर आया हूं उसी सीरीज में सेकेंड पार्ट कुली उपन्यास का, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखित है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, उसका मैं थोड़ा सा शॉर्ट समरी आपको बता देता हूँ फिर से, कि ये कहानी एक 14 वर्ष के बच्चे मुन्नू की कहानी है, जो कि विलासपुर में, हिमाचल के गांव विलासपुर में अपने चाचा दयाराम और चाची गुजरी के साथ रहता है। गुजरी को लगता है कि मुन्नू अब बड़ा हो चुका है और घर पर बोझ बनता जा रहा है, तो इसे कुछ काम करना चाहिए और घर पर पैसे लाकर कुछ हाथ बटाना चाहिए। मुन्नू के चाचा उसको श्यामनगर में लेकर जाते हैं और वहाँ पर नाथूराम के घर पर ले जाते हैं और वहाँ बीबी उत्तम को नाथूराम व अन्य सदस्यों के द्वारा मुन्नू का शोषण किया जाता है, उसे कार्य अधिक कराया जाता है तथा उसको खाने के लिए भी उपयुक्त जो भोजन है वो नहीं दिया जाता है। अब मुन्नू के साथ वहाँ पर कुछ घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं से दुखी होकर एक दिन मुन्नू यह तय करता है कि वह यहाँ से चला जाएगा, इस घर को छोड़ देगा और वह निकल जाता है श्यामनगर से स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पर जाकर वो एक रेलगाड़ी में बैठ जाता है एक सीट के नीचे। अगर आपको ये कहानी डिटेल में जाननी है फर्स्ट पार्ट की, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर पूरी फर्स्ट पार्ट की कहानी को डिटेल में सुन सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट, जो पार्ट सेकंड है कुली उपन्यास का। अब मुन्नू जो है वो रेलगाड़ी में एक सीट के नीचे बैठा हुआ है और वो डरा हुआ है कि कहीं टीटी ना आ जाए, उसको पकड़ ना ले। और उस सीट के ऊपर एक बकरी से चेहरे वाला व्यक्ति, जिसका नाम गणपत है, वो वहाँ पर सीट के ऊपर बैठा हुआ है। और जो गणपत है वह बहुत ज़्यादा एक, जिसको कह सकते हैं कि एक क्रूअल टाइप का व्यक्ति है और वह एक अचार फैक्ट्री का मालिक है। और उसके साथ बैठा हुआ है उसका पार्टनर प्रभा दयाल, जो कि वो भी जो है एक अचार फैक्ट्री का मालिक ही है और ये दौलतपुर में इनकी अचार फैक्ट्री है। अब प्रभा दयाल को लगता है सीट के नीचे कोई है, वो मुन्नू को निकालता है सीट के नीचे से और मुन्नू से पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो मुन्नू जो है अपना परिचय बताने से इनकार कर देता है और बल्कि ये कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि उसको शायद डर लगता है कि उसका परिचय आइडेंटिटी बता दी गई तो फिर से वो अपने चाचा के पास छोड़ दिया जाएगा और उसके चाचा उसको वहीं बीबी उत्तम कौर के पास ले जाएंगे। तो इस वजह से वो कहता है मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ और बिल्कुल अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, ऐसा कहता है मुन्नू। अब क्या होता है कि जो मुन्नू है, प्रभा दयाल जो है वो मुन्नू को जब ये पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कोई नहीं है, तो वो सोचते हैं कि भाई जब कोई नहीं है तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर लेता हूँ, मैं मेरे साथ तुम चलो, मैं तुम्हें अपने साथ दौलतपुर लेकर चलता हूँ। और वो उसको अपने साथ दौलतपुर ले आते हैं, लेकिन मुन्नू कहता है कि मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं बनना चाहता। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी अचार फैक्ट्री में कार्य दूंगा और तुम कार्य करना और हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। और मुन्नू जो है वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगता है। वहाँ पर गणपत के द्वारा मुन्नू की एक दो बार पिटाई भी होती है, गणपत जो है उसको परेशान भी करता है, लेकिन अब इतना दुखों का पहाड़ नहीं था जितना उसको श्यामनगर में सहने को मिला था। यहाँ पर उसको जो ये प्रभा दयाल है और उसकी पत्नी है, दोनों का प्रेम यहाँ पर उसको मिलता है। लेकिन घटना यहाँ भी घट जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रभा दयाल है, प्रभा दयाल की जो फैक्ट्री है वो एक रियासी इलाके में है, एक रेजिडेंशियल एरिया में है और वहाँ पर सामने ही मिस्टर एडवर्ड का घर है और वो मुन्नू इसकी प्रभा दयाल की कंप्लेंट कर देते हैं। और ये कंप्लेंट करते हैं, पहले तो प्रभा दयाल को चेतावनी देते हैं कि वो अपनी फैक्ट्री यहाँ से हटा ले, क्योंकि उसका जो धुआं निकलता है वो उनके घर में प्रवेश करता है, वो ऐसा उस पर एलिगेशन लगाते हैं। और जब वो वहाँ से उसको नहीं हटाता बल्कि चिमनी को ऊंचा कर देता है, तो तब वो उस फैक्ट्री को सीज करा देते हैं, वहाँ से उसको बंद करा देते हैं। और फैक्ट्री के बंद होने पर गणपत ऑलरेडी बहुत चालाक था, गणपत ने चालाकी ये करी कि वह अपना कार्य अलग, एक फैक्ट्री अलग कर लेता है और प्रभा दयाल के सारे पार्टनर को तोड़कर, जो भी ग्राहक थे उनको तोड़कर अपने पास ले जाता है और वो अपनी फैक्ट्री को सही प्रकार से चला लेता है। और दूसरी तरफ
प्रभा दयाल जो है उनको जेल भेजा जाता है, और जिस समय प्रभा दयाल को जेल भेजा जाता है उनके घर के पालन पोषण के लिए जो मुन्नू है, मुन्नू जो है वो एक कुली का कार्य वहाँ पर करता है और वो मेहनत करता है और उसके घर का पालन पोषण करता है। प्रभा दयाल जब वहाँ से आज़ाद होते हैं, जेल से छूटते हैं, वो मुन्नू पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं बनना चाहते और वो अपनी पत्नी के साथ वो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। यहाँ पर मुन्नू फिर से अकेला हो जाता है और मुन्नू जो है शहर में भटकता रहता है और भटकते हुए तभी मुन्नू को जो है एक सर्कस का एक सामान जा रहा था जो कि मुंबई को जा रहा था। मुंबई और मुन्नू उस सर्कस में हाथी थे, जानवर थे, ट्रक वगैरह थे, और उन्हीं के साथ मुन्नू भी जो है वहाँ पर दुपक जाता है एक तरह से और मुंबई निकल जाता है, मुंबई पहुँचता है। अब मुन्नू जब मुंबई में पहुँचता है तो मुंबई में वह एक सड़क पर होता है और सड़क पर जो है वो क्या कहते हैं वहाँ पर उसको देखता है कि एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की जान वो एक दुर्घटना होने से बचा लेता है। और जब वो उस बच्चे की जान बचाता है तो ये जो बच्चा होता है ये हरिहर का बच्चा होता है और जो कि एक कॉटन मिल में काम करने वाला मजदूर है उसका बच्चा है। और वह मुन्नू से कहता है, पूछता है, भाई तुम कौन हो, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य किया, मेरे बच्चे की जान बचाई तुमने, तुम कौन हो? तो मुन्नू कहता है, मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहता है, ठीक है, तुम हमारे साथ हमारी खोली में रह सकते हो। तो मुन्नू कहता है, ठीक है, मैं फोकट में नहीं रहता, ऐसे ही नहीं रहता, मैं कोई काम, या तो आप काम दिला दो, मैं उससे आपका पगार दे दूंगा, मतलब उसके कमरे का जो किराया है वो मैं आपका शेयर कर लूँगा। तो कहता है, ठीक है, मैं अपनी कॉटन फैक्ट्री में तुम्हें कार्य दिला दूँगा। अब ये जो व्यक्ति था ये थोड़ा बिगड़े हुए किस्म का व्यक्ति था और ये जो है कॉटन फैक्ट्री में उसको काम दिला देता है। इसके बाद में कार्य करने के बाद में ये जाता है प्यारी बाई के सैलून पर। प्यारी बाई के सैलून पर जब ये जाता है तो वहाँ पर ये अपना समय स्पेंड करता है। एक दिन मुन्नू को भी ले जाता है। मुन्नू को जब प्यारी बाई स्पर्श करती है तो मुन्नू को बड़ा अजीब सा फील होता है और वह वहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो कहता है, ठीक है, तुम चले जाओ घर पर। और जब वो घर पर आता है तो वहाँ पर उसकी जो पत्नी होती है, जो इसके साथ वो मुन्नू रह रहा था, वहाँ पर उसकी पत्नी मुन्नू के साथ जो है फिजिकल इंटीमेट होती है और मुन्नू जो है अपने आप को इस कार्य में रोक नहीं पाता। तो यहाँ पर भी मुन्नू का शारीरिक शोषण होता है। अब क्या होता है कि कॉटन फील्ड की जो फैक्ट्री थी उसके जो मजदूर थे वो हड़ताल पर चले जाते हैं और जो मालिक था वो भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, फैक्ट्री के वर्कर्स भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। और लेकिन इस बीच में क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बेकार हो जाती है हरी की रतन की, तो उस समय जो मुन्नू है फिर से कुली का काम करता है और फिर से उनके घर का पालन पोषण करता है। अब इन पर भी ये बर्डन, उनको नहीं लगता हरी को अच्छा कि भाई उस पर मैं बर्डन बनूं, और वह वहां से वो भी अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर से मुन्नू फिर बेचारा अकेला रह जाता है। अब क्या होता है, मुन्नू की लाइफ में फिर से कोई मोड़ आएगा। अब मोड़ क्या आता है कि मुन्नू जो है मुंबई की सड़कों पर भटक रहा होता है और अचानक से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी के द्वारा मुन्नू को चोट पहुंचा दी जाती है, मतलब टक्कर मार दी जाती है। मुन्नू को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है, तभी गाड़ी के अंदर से एक महिला निकलती है जिनका नाम है मिसिज मेनवेयरिंग नाम की एक महिला निकलती है जो कि काफ़ी बुल्की वुमेन है, एक भारी भरकम शरीर वाली महिला है जो कि गाड़ी के अंदर से निकली है। और वह महिला मुन्नू को उठाती है, उसका इलाज करवाती है और मुन्नू से पूछती है कि तुम कौन हो। तो मुन्नू कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो तब वो कहती है कि ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो। अब ये जो एंग्लो इंडियन लेडी थी ये मुन्नू को अपने साथ शिमला ले जाती है और ये इसको शॉपिंग का बहुत शौक था इस लेडी को, जिसका नाम है मिसेस मेनवेयरिंग। तो ये क्या करती है, पहले हायर किया करती थी रिक्शा को, अभी खुद अपना रिक्शा परचेज कर लेती है और मुन्नू से उस रिक्शे को चलवाती है मॉल रोड पर। शिमला में मॉल रोड पर चलाना कोई आसान कार्य नहीं है और उसमें मुन्नू का बहुत ज़्यादा सांस भी फूलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। मुन्नू से दिन भर ये इस तरह से रिक्शा चलवाती थी और जब रात में घर पे लौटती थी तो मुन्नू का मेनवेयरिंग के द्वारा शारीरिक शोषण भी किया जाता था। अब मुन्नू जो था, यहाँ पर मुन्नू बहुत परेशान हो चुका था अपनी लाइफ को लेकर, और लेकिन वो एक तरह से कहें तो ये जो एक फिजिकल इंटीमेशन था, जो उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, इसका वो आदी हो चुका था।
अब क्या होता है कि एक दिन मुन्नू की तबीयत बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। मुन्नू को रिक्शा चलाते चलाते अब खून आने लगता है खांसी में, और जब मुन्नू को एडमिट कराया जाता है तो पता चलता है कि मुन्नू को टीबी है, मुन्नू को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। और मिसेज मेनवेयरिंग वैसे बहुत सिंपैथिक भी है मुन्नू की तरफ देखा जाए तो, लेकिन एक्सप्लोइटेशन तो वहाँ भी हुआ है ना जो मिसेज मेनवेयरिंग ने किया है मुन्नू के लिए। वो वहाँ पर जो है उसके गेटवेल सून के लिए वो फ्लावर्स लेकर आती है और फ्रूट्स भी लेकर आती है, लेकिन शायद वो मुन्नू के अब किसी काम के लिए नहीं थे क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। और एक समय आता है कि मुन्नू अपनी बीमारी से लड़ता हुआ अपने प्राणों को त्याग देता है और इस प्रकार से मुन्नू के जीवन का अंत हो जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से, आपने सुना कि किस प्रकार से मुन्नू जो है वो प्रारंभ से लेके अंत तक कष्टों को सहता रहा, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो शामनगर हो, चाहे वो दौलतपुर हो, और चाहे वो मुंबई हो, और या अंत में शिमला हो। जहाँ भी मुन्नू गया वहाँ पर मुन्नू का शोषण किया गया, वो किसी भी प्रकार का शोषण हो लेकिन वो शोषण का शिकार हुआ और अंततः मुन्नू की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यह थी कुली कहानी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई, जो गरीबी और भारत की आर्थिक स्थिति और कल्चर पर अपने उपन्यास लिखते हैं। तो आगे भी मैं इस प्रकार की जो वीडियोस हैं, ऐसी स्टोरीज़ हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।